हेलो एंड वेलकम टू जॉइन लाइफ। अक्सर हमारे घरों में रात की बनी हुई रोटी अगर बच जाती है तो हम इसे सुबह खाने से कतराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बासी रोटी खाने से हमें सेहत से जुड़े कई सारे फायदे मिलते हैं। आपको बता दें कि आयुर्वेद इसे ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए अच्छा मानता है। बासी रोटी में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ताजी रोटी की तुलना में बासी रोटी में गुड बैक्टीरिया की संख्या भी ज्यादा होती है, जो गट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। आइए आज के इस वीडियो में बासी रोटी खाने के फायदों के बारे में जानते हैं, साथ ही देखेंगे बासी रोटी खाने का सही तरीका। बासी रोटी खाने के फायदे। सबसे पहला है, पाचन में सुधार होता है। आयुर्वेद में माना गया है कि ताजी रोटी के मुकाबले बासी रोटी पेट के लिए हल्की होती है, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके चलते इसे पचाना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये खासकर उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनकी कमजोर पाचन, अग्नि हो, या फिर जिनको अपच की दिक्कत रहती है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है कि ये वात और पित्त पर कंट्रोल करने में सक्षम है। आयुर्वेद के अनुसार बासी रोटी खाने से शरीर के दोष जैसे कि वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में हेल्प मिलती है। इसका सूखा और हल्का नेचर कफ दोष को शांत करता है, जबकि इसका गर्म प्रभाव वात दोष को बैलेंस करने में सहायक है, जिससे ये सभी के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। यही नहीं, बासी रोटी खाने से ब्लोटिंग की समस्या में राहत मिलती है। क्या आप जानते हैं कि ताजी बनी चपाती से कभी कभी कुछ लोगों में गैस और सूजन की प्रॉब्लम होने लगती है, खासकर संवेदनशील पाचन वाले लोगों में। ऐसे में बासी चपाती उनके लिए काफी उपयोगी है। इसका सेवन करने से पेट फूलने और गैस होने की संभावना कम हो जाती है, जिसकी वजह से पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान लोगों को राहत मिलती है। इसका फोर्थ बेनिफिट है कि यह पेट के हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह डाइजेस्टन के लिए बहुत जरूरी है। बासी रोटी इन्हें बढ़ाने का काम करती है, जिससे गैस, कब्ज और खराब पेट की शिकायत करने वालों को आराम मिलता है। इसके अलावा बासी रोटी का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है। बासी रोटी खाने से शरीर को काफी ज्यादा ताकत मिलती है। इसका सेवन करने से तुरंत एनर्जी मिल जाती है, इसलिए सुबह नाश्ते में बासी रोटी खाना अच्छा माना जाता है। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। यही नहीं, डायबिटीज के मरीजों के लिए भी इस रोटी के कई फायदे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि ये वेट लॉस करने में सहायक होती है। बासी रोटी में ताजी चपातियों की तुलना में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जो इन्हें वेट लॉस करने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाती है। अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट है कि बासी रोटी इम्यून सिस्टम बेहतर बनाने में हेल्पफुल है। लंबे समय तक रखे जाने वाले आटे या अनाज यौगिक जीवाणुओं यानी कंपाउंड बैक्टीरिया का विकास करने में सहायक होते हैं, इसलिए रात भर रखी गई रोटी में काफी प्रीबायोटिक बन जाते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जबरदस्त माने जाते हैं, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि बासी रोटी खाने का सही तरीका क्या है। आप चाहें तो बासी रोटी की कई रेसिपीज बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसे खाने का सबसे हेल्दी और आसान तरीका है कि बासी रोटी सुबह के समय ठंडे दूध में भिगोकर खाए। इसे ब्लड प्रेशर सामान्य रहने में भी मदद मिलती है, या आप चाहे तो इसका पोहा बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो एक या दो बासी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आधा कटोरी में दूध में भिगोकर करीब 30 से 40 मिनट के लिए रख लें। इसे दिन में दो समय, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले नियमित तौर पर खाएं। ये तरीका कम समय में ही पाचन को दुरुस्त कर आपको कब्ज से राहत दिला सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा होगा, तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए।